नई दिशाएं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है लिंग भेद के अंतर के कारण पैदा हुई सामाजिक समस्याओं पर आधारित इस श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम ज्योतिबा फुले। जिस तरह बंगाल में राजा राममोहन राय का नाम बच्चा बच्चा जानता है, उसी तरह महाराष्ट्र में हर बच्चे की जुबान पर ज्योतिबा फुले का नाम है। उन्होंने स्त्री शिक्षा की नींव डाली और विधवा विवाह तथा विधवाओं के पुनर्वास के लिए अथक प्रयास किए। उन्होंने जाति प्रथा और ऊंच नीच के भेदभाव को दूर करने के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। ज्योतिबा फुले का जन्म 1827 में पुणे के एक माली परिवार में हुआ। पिता गोविंद राव अनपढ़ थे, किंतु चाहते थे कि उनका पुत्र पढ़े लिखे और समाज में आगे बढ़े। लेकिन उन दिनों पुणे में कट्टरता व जातिवाद का बड़ा जोर था। विद्या पाने का अधिकार केवल उच्च वर्ग के लोगों को ही था। फिर भी उर्दू फारसी के शिक्षक गफ्फार बेग मुंशी और ईसाई पादरी लेजिट के सहयोग से ज्योतिबा की पढ़ाई लिखाई हुई। ज्योतिबा का एक मित्र था सदाशिव बल्लाल गोवंदे, जो एक निर्धन ब्राह्मण परिवार का था। दोनों के विचारों में बड़ी समानता थी। दोनों दलितों और शोषितों में जागृति लाना चाहते थे। एक बार ज्योतिबा अपने मित्र से मिलने अहमदनगर गए। वहां उन्होंने एक अमेरिकन मिशनरी मिस फरार द्वारा चलाई जा रही स्त्री पाठशाला देखी। बस ज्योतिबा को जैसे अपनी राह मिल गई। उन्होंने पुणे लौटकर निम्न जाति की स्त्रियों के लिए एक विद्यालय खोला। कट्टरपंथियों ने इसका कड़ा विरोध आरंभ किया। अरुणा साहब, कुछ सुना आपने? क्या? गोविंद राव के पुत्र ज्योति ने स्त्रियों की एक पाठशाला खोली है। वो उन्हें पढ़ाकर हमारे बराबर बैठाने का षड्यंत्र कर रहा है। कुलकर्णी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हुजूर। स्त्री शिक्षा जाति और समाज के विरुद्ध है। शिवराम जी। जी, क्या बहुत सी स्त्रियां जाने लगी हैं उसकी पाठशाला में? अभी तो शुरुआत हुई है, धीरे धीरे ये रोग सारे नगर में फैल जाएगा हुजूर। शिवराम जी, भला बताइए, अगर स्त्री अपना गांव, कस्बा या पति छोड़कर नौकरी या कामकाज के लिए जाती है तो इससे बड़ा पाप क्या होगा? ठीक कह रहे हैं कुलकर्णी जी, फिर पढ़ लिख कर लड़कियां अपने बड़ों का सम्मान करेंगी भला? शिवराम जी, घर की लाज बाहर गई तो समझिए इज्जत भी गई। अन्ना साहब, ज्योति को ये सब नहीं करने दिया जाना चाहिए। सरकार, सरकार। क्या है? मालकिन ने मुझे पांडु नाई के घर भेजा था उसकी घरवाली को लिवा लाने के लिए। मालकिन के जोड़ों में दर्द है, वे मालिश करवाना चाहती थी। तो ये मुझे क्यों बता रहा है? सरकार, मैं पांडु के घर गया तो पता चला उसकी घरवाली पाठशाला गई है। कहता था शाम को आ जाएगी। देख लिया आपने अन्ना साहब, अभी तो पाठशाला जाना शुरू हुआ है तो ये नखरे हैं। जब पढ़ लिख जाएंगे तो पता नहीं क्या करेंगे। ढोंडो। जी सरकार। जरा जाकर पांडु नाई को तो बुला ला। अच्छा सरकार, अभी लाया। लीजिए, अब स्त्रियां भी पाठशाला जाएंगी। कलयुग, घोर कलयुग।
लीजिए अन्ना साहब, पांडू नाई आ गया। पाए लागू सरकार, मुझसे कोई खता हो गई हो तो माफ कर देना सरकार। कौन, पांडू? जी सरकार। अच्छा, तेरे घर में सब ठीक ठाक है? सरकार आपकी कृपा है। हमारी कृपा की तुझे अब क्या जरूरत? जी, तू तो अपनी घरवाली को पढ़ा लिखा कर उसे नौकरी करवाएगा, घर बैठे आमदनी होगी। अरे राम 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 राम, ये क्या कह रहे हैं सरकार, जोरू से नौकरी करवाऊंगा? अब जब उसे पढ़ा लिखा रहा है तो उसके पीछे कोई तो कारण होगा ही ना। वो तो सरकार, ज्योतिबा ने पाठशाला खोली है ना, हम गरीबों के लिए है, तो मैंने सोचा मेरी घरवाली भी नाम लिखना सीख जाए। अरे मूर्ख, तू ज्योति की चाल कहाँ समझेगा, वो तो तुम लोगों की औरतों को बहका रहा है। ना 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 ना, कुलकर्णी भाऊ आप ठीक कह रहे हैं, इसकी समझ में ये बात नहीं आएगी। अरे ज्योति ने उस ईसाई फिरंगी का स्कूल देखकर ही अपनी पाठशाला खोली है, ये तो ईसाई बनाने का बहाना है। अरे राम 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 राम, ये क्या कह रहे हैं आप लोग? तो क्या शिवराम गलत कह रहे हैं? अरे अभी चेतो, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। तो आ गया समझ में? जी सरकार जी। पुणे के कट्टरपंथियों ने ज्योतिबा की पाठशाला का तरह तरह से विरोध किया, कभी उन पर धर्म विरोधी होने का आरोप लगाया, कभी माली जाति के लोगों को उनके विरुद्ध भड़काया, तो कभी निम्न जातियों के लोगों को डराया धमकाया। फिर भी ज्योतिबा अपने संकल्प पर डटे रहे। इस संघर्ष में उन्हें अपनी पत्नी सावित्री का पूरा सहयोग मिला। सुनिए, देखिए, आपके मित्र गोवंदे ने हमारी पाठशाला के लिए कितनी पुस्तकें भेजी हैं। देखूं? अरे सावित्री जी, ये किताबें लाया कौन? गोवंदे भाऊ का कोई आदमी आया था आज दोपहर, तब आप घर में नहीं थे। अच्छा अच्छा, सावित्री, कई बार सोचता हूँ गोवंदे और सदाशिव की सहायता और प्रेरणा के बिना मैं शायद ये पाठशाला नहीं चला पाता। ऐसा क्यों कहते हैं? ये सच है कि ब्राह्मण होते हुए भी आपके मित्र आपके पुण्य कार्य में आपकी सहायता कर रहे हैं, लेकिन आप में जो लगन है उसे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। सावित्री, है, मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। आपके हर काम में हाथ बटाना मेरा धर्म है। कहिए तो, क्या करना होगा? इतने दिन हो गए पाठशाला खुले, लेकिन मुझे कोई शिक्षिका नहीं मिल रही है। मैं चाहता हूँ ये काम तुम संभालो। मैं? हाँ। मैं कहाँ इतनी पढ़ी लिखी हूँ। आपने बचपन में जो पढ़ाया है मैं तो बस उतना ही जानती हूँ। फिलहाल इतना ही काफी है। इन निरक्षर महिलाओं के जीवन में प्रकाश लाने के लिए शुरुआत तो कर ही सकती हो। जैसा आप ठीक समझे, मैं पूरी लगन से काम करूंगी। मुझे तुमसे यही आशा थी सावित्री। अरे देखो, ज्योति की घरवाली जा रही है। अरे अब वो घरवाली कहाँ रही? अच्छा? घर से बाहर आ गई। अरे इसने तो सारी स्त्रियों की नाक कटा दी। कहती है पढ़ाई लिखाई से स्त्रियों का उद्धार होगा। भला बताओ, जो बात धर्म विरुद्ध है उससे उद्धार होगा या पतन? आई विद्या की देवी सरस्वती तो स्वयं स्त्री है, फिर स्त्रियों को विद्या ग्रहण करने से रोकेगी क्या? अरे चुप,
चार अक्षर क्या पढ़ गई, मुझे पढ़ाने चलिए। मैंने ये बाल धूप में सफेद नहीं किए। हाँ, तुम स्त्री होकर स्त्री शिक्षा का विरोध कर रही हो? अरे जो बात मर्यादा के विपरीत हो मैं उसका विरोध जरूर करूंगी। हाँ, तुमने ठीक कहा आई। क्या हुआ? क्या हुआ सावित्री बाई? किसी ने पत्थर मारा। कहीं चोट तो नहीं लगी सावित्री बाई? लगी हो तो भी आपको क्या? अरे भाई ये पत्थर वत्थर मारना ठीक नहीं। अरे जो कुछ कहना है मुंह से कहना चाहिए। विरोध प्रकट करने के सबके अपने अपने ढंग हैं। सो तो ठीक है, परंतु तुम भी बिना बात जिद पर अड़ी हो। जब तुम्हारी पाठशाला का इतना विरोध है तो बंद करो उसे। जिससे स्त्रियां हमेशा अज्ञान के अंधकार में रहकर आप लोगों के अत्याचार सहती रहें। सावित्री भाई जबान संभाल के बात करो वरना वरना अरे किसी ने पत्थर मारा। ओह क्यों, अब समझ में आया? हे ईश्वर इन्हें क्षमा करना, ये भटक गए हैं। मैं तो सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रही हूँ। अरे चल चल आगे बढ़, कहीं और दो चार पत्थर पड़ गए तो यहीं ढेर हो जाएगी। सावित्री और ज्योतिबा के लिए इस तरह की घटनाएं आम हो गईं। फिर भी वो अपने संकल्प से डिगे नहीं। तब कट्टरपंथियों ने ज्योतिबा के पिता गोविंद राव को भड़काना शुरू किया। गोविंद राव और ज्योतिबा में अनबन हो गई और ज्योतिबा को सावित्री के साथ पिता का घर छोड़ना पड़ा। पाठशाला बंद हो गई, लेकिन उनके मित्र गोवंदे ने उनकी सहायता की और कुछ समय बाद पाठशाला फिर खुली। दलितों को लगा कि उनका मसीहा लौट आया है। धीरे धीरे ज्योतिबा को सुधारवादी ब्राह्मणों का भी समर्थन मिला और जन सहयोग भी। उन्होंने तीन विद्यालय और खोले। इन्हीं दिनों बंगाल के अग्रणी समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सक्रिय प्रयत्नों से 1856 में विधवा विवाह कानून पास हुआ। ज्योतिबा को लगा कि स्त्री शिक्षा के साथ साथ विधवाओं का विवाह करवाना, बाल विवाह और अनमेल विवाह का विरोध करना भी एक सामाजिक दायित्व है। वो दृढ़ संकल्प के साथ इस काम में जुट गए। उन्होंने विधवाओं के लिए एक आश्रम भी खोला। इन कार्यों में ज्योतिबा के मित्रों ने भी पूरी निष्ठा से भाग लिया। उनमें से एक थे महादेव गोविंद रानडे। एक दिन ज्योतिबा को पता चला कि रानडे पुनः विवाह कर रहे हैं। ये मैं क्या सुन रहा हूँ महादेव? क्या बात है ज्योति? तुम विवाह कर रहे हो? हाँ, मेरी पत्नी की मृत्यु को बहुत दिन हो गए हैं। पिताजी कहते हैं। सो तो ठीक है, लेकिन मैंने सुना है तुम 11 वर्ष की बालिका से विवाह कर रहे हो। क्या करूं, लड़की के परिवार वाले पिताजी के सिर हो गए हैं। लेकिन तुम्हारे विवेक को क्या हुआ? तुमने कितने ही विधवा विवाह करवाए हैं, क्या तुम भी किसी विधवा स्त्री से विवाह नहीं कर सकते थे? क्या कहते हो ज्योति, पिताजी के रहते क्या ये संभव है? ये दोहरे मापदंड मुझे पसंद नहीं। कहते कुछ हो और करते कुछ और हो। सच आज तुमने मुझे बड़ी पीड़ा पहुंचाई, बड़ी पीड़ा पहुंचाई है। ज्योति, ज्योति, ज्योतिबा का सारा जीवन इन्हीं संघर्षों में बीत गया। कभी उन्हें प्रकाश की किरण दिखाई देने लगती और कभी उन्हें लगता जैसे सवेरा बहुत दूर है। कट्टरपंथियों को ज्योतिबा के ये क्रांतिकारी कार्य बहुत चुभते। एक रात रोड़े और ढोंडीराम नाम के दो व्यक्तियों को उनकी हत्या करने के लिए भेजा गया। ढोंडीराम,
चलो, भीतर चलकर काम तमाम करते हैं। हाँ, लगता है गहरी नींद सोया हुआ है। आओ चलो चलो। आओ भाई आ जाओ। अरे ये तो जागा हुआ है। अरे मैं तो जागा हुआ हूँ, लेकिन तुम लोग कब जागोगे? क्या मतलब? अरे रूढ़िवादियों ने मुझे और मेरी स्त्री को किस किस तरह से सताया है ये बात छिपी नहीं है, फिर भी तुम लोग उनकी बातों में आकर मेरी हत्या करने चले आए। ज्योति बाबू, ये भी नहीं सोचा मेरा संघर्ष तुम ही लोगों के लिए है। फिर भी यदि मुझे मारकर तुम्हें शांति मिले तो उठाओ तलवार, उठाओ। नहीं ज्योतिबा, ज्योतिबा हमें माफ कर दो ज्योतिबा। हाँ ज्योतिबा, हम उन लोगों के बहकावे में आ गए थे। आज से आप हमारे गुरु हैं। आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। वही करेंगे। अच्छा तो कल से पाठशाला में पढ़ने आओ, तभी तुम्हारी आंखें खुलेंगी। हाँ ज्योतिबा, तभी खुलेंगी। ज्योतिबा ऐसे खरे व्यक्तित्व वाले महापुरुष थे जिन्होंने समाज में फैली बुराइयों को दूर करने के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। ज्योतिबा दलित क्रांति और सामाजिक सुधारों की वजह से मसीहा बन चुके थे। 1888 में उनका सार्वजनिक अभिनंदन किया गया। उन्हें दलितों का मुक्तिदाता, स्त्री शिक्षा का जनक और नए भारत का निर्माता कहा गया। बाद में हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर ने ज्योतिबा को अपना गुरु बताया। ज्योतिबा फुले। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। आलेख क्षमा शर्मा, विषय संयोजन ममता गुप्ता, कलाकार मंजू मैनी, राम मैनी, नीरज शर्मा, अभय भार्गव, सरोज भार्गव, वीना होरा, जैमिनी कुमार, सुरेश शास्त्री, के एस पवार, मनोज भटनागर, सुरेंद्र सेठी, बी आर एल सक्सेना, बी एल टंडन, मंगत राम और मोहम्मद अयूब, ध्वनियांकन सतीश लाड़े तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना निगम। नई दिशाएं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है लिंग भेद के अंतर के कारण पैदा हुई सामाजिक समस्याओं पर आधारित इस श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम प्यार की कीमत। बेटे घर में बीसियों काम होते हैं। हाँ। अब दाल में छौंक लगा रही थी मैं, छोड़कर भी तो नहीं आ सकती थी ना। ओफो, आज फिर दाल बनी है। क्यों भाई, दाल में क्या बुराई है?
दाल में तो प्रोटीन होता है जो बढ़ते बच्चों के लिए बहुत जरूरी बताया जाता है। होगा, पर मुझे तो दाल बिल्कुल पसंद नहीं है। तो फिर ठीक है, जो शख्स दाल नहीं खाएगा उसे गुलाब जामुन भी नहीं मिलेंगे। गुलाब जामुन बनाए हैं? हाँ बनाए तो हैं, मगर मिलेंगे खाना खाने के बाद। अब तुम जल्दी से स्कूल के कपड़े बदल लो और मुंह हाथ धोकर आओ, मैं खाना लगा रही हूँ। अच्छा माँ, अभी आया। मैं तो हाथ धो आया, पर निसार कहाँ है? नजर नहीं आ रहा। उसे सर्दी लग गई है, खांसी भी हो रही है। वो अभी अभी सोया है, उसे सोने दो। तुम खाना खा लो। अच्छा ठीक है, दे दो। अम्मी अम्मी, अरे उठ गया मेरा चंदा। देखो तो अमीन भाई तुम्हें याद कर रहे हैं, उनके साथ खेलोगे? नहीं नहीं अम्मी, मेरा सिर दुखता है। देखो तो, हाय अल्लाह, इसे तो काफी तेज बुखार है। अमीन बेटे, जरा थर्मामीटर तो उठाना। ओफ अम्मी, देखती नहीं, मैं होमवर्क कर रहा हूँ। होमवर्क फिर कर लेना बेटे, पहले जरा थर्मामीटर ला दो। निसार को बुखार लग रहा है। आप खुद ही उठकर ले लीजिए ना अम्मी। वो तो मैं करूंगी ही, पर तुम्हारा भी तो कोई फर्ज है या नहीं अपने छोटे भाई के लिए? जब कोई काम बताओ तो कोई ना कोई बहाना बना देते हो। अमीन, निसार, अरे कहाँ है हमारे शेर बच्चे? जरा आहिस्ता बोले। क्यों भाई, खैरियत तो है? निसार आज दोपहर से ही पस्त पड़ा है, काफी तेज बुखार है। अरे तो डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाया? आप ही का इंतजार कर रही थी। सुनिए, जरा इसे डॉक्टर को दिखा लाइए। वो शाहिदा, ऐसा है कि मुझे कुछ जरूरी काम है। वो हमारे दफ्तर के बड़े बाबू हैं ना, वर्मा साहब, उन्होंने किसी खास काम से याद किया है, जाना बहुत जरूरी है, वरना मैं जरूर निसार को डॉक्टर के यहाँ ले जाता। ऐसा करो, तुम तैयार हो लो, मैं रिक्शा बुलवा देता हूँ। मैं? लेकिन फिर घर का क्या होगा, खाना कैसे पकेगा? अरे भाई, वो अपने अमीन को कुछ बता जाओ, कुछ वो कर रखेगा और बाकी तुम लौट कर लेना। ठीक है, लेकिन पहले आप उसे अंदर तो बुला लाइए। हाँ। बाहर गली में दूसरे बच्चों के साथ खेल रहा होगा, तब तक मैं तैयार होकर आती हूँ। हाँ हाँ, तुम जाओ, मैं उसे बुलवाता हूँ। अमीन, ओ अमीन। जी आया। जी अबू। अमीन देखो बेटा, तुम्हारा भाई बीमार है, तुम्हारी अम्मी उसे लेकर डॉक्टर के यहाँ जा रही हैं। हाँ? और मुझे भी किसी जरूरी काम से बाहर जाना है। तुम तो हमारे बड़े समझदार बच्चे हो ना, है ना? तुम घर पर संभल कर रहना और तुम्हारी अम्मी जो भी काम बताएं उन्हें कर डालना, है बेटे? और फिर तुम जो कहोगे हम तुम्हें वही इनाम देंगे। ठीक है अब्बा। शाबाश शाबाश मेरा राजा बेटा। अमीन आ गया? हाँ आ गया, और मैंने इसे समझा भी दिया है, अब जो जो काम तुम कहोगी ये वही करके रखेगा। क्यों बेटे अमीन? जी अब्बा, मैं सब कर डालूंगा। अच्छा ठीक है, हाँ तुम इसे अब काम बताओ, मैं तब तक रिक्शा लेकर आता हूँ। देखो बेटे, एक तो घर का दरवाजा अच्छी तरह बंद रखना, जब तक किसी जान पहचान वाले की आवाज ना हो दरवाजा मत खोलना। ओहो अम्मी, पता है मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ। अच्छा तो फिर बड़ों की तरह समझदारी से काम करना। हाँ हाँ, पर काम तो बताओ ना। ऊपर कोठे पर कपड़े फैले हैं, सूख गए होंगे, उन्हें उतार लाना और ठीक ठीक तह करके रख देना। अरे उतने सारे कपड़े मैं अकेला कैसे लाऊंगा? ओफो, दो चक्कर लगा लेना बेटे। ओफो, अच्छा और क्या करना है? और ये लो 20 रुपए, दो बोतल दूध ले आना और कुछ सब्जी भी लेते आना। ये साग सब्जी मेरी समझ में नहीं आती, बता दो ना क्या क्या लाना है। अच्छा बाबा, मटर तो तुम्हें पसंद है ना? हाँ। तो फिर 1 किलो मटर ले आना। हाँ। और आधा किलो टमाटर, ये दो चीजें तो याद रहेंगी ना। 1 किलो मटर, आधा किलो टमाटर और हाँ। दो बोतल दूध भी। हाँ हाँ, मुझे याद है। अरे चलो भाई, रिक्शा आ गया। आती हूँ।
और सुनो अमीन, जब सामान लेने जाना तो दरवाजा ठीक से बंद करके जाना और चाबियां भी संभाल कर रखना। चलो भी, वरना रिक्शे वाला भाग जाएगा। आओ देखो, निसार को मैं गोद में ले लेता हूँ, अगले मोड़ पर मैं उतर जाऊंगा। निसार बेटा, शाबाश। अच्छा बेटे अमीन, संभल कर रहना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज अबू। और बेटे अमीन, थोड़े मटर छील लेना बेटा। हाँ, मैं आकर जल्दी से मटर के चावल पका दूंगी तुम्हारे लिए, तुम्हें पसंद है ना? अच्छा ठीक है अम्मी। अच्छा भाई, अब चलो भी। आती हूँ, आती हूँ। हाँ, ये रही दूध की बोतलें और ये सब्जी का थैला। ये बचे हुए पैसे कहाँ रखूं? हाँ, यहाँ रख देता हूँ। अमीन, अरे ओ अमीन। कौन? आशीष, अंदर आ जाओ यार। हाँ, और दरवाजा बंद करते आना। क्या बात है, आज खेलने नहीं आए? क्या बताऊँ यार, आज फंस गया, ढेर सारा काम करना है घर का। तब तो अच्छा है, ढेर सारे पैसे भी तो मिलेंगे। हैं? पैसे किस बात के? क्यों, तू जब घर के काम करता है तो पैसे नहीं लेता अपनी मम्मी से? मैं तो लेता हूँ। वो कैसे? देख, जब कभी हमारा नौकर छुट्टी पर जाता है तो मेरे मम्मी पापा मुसीबत में पड़ जाते हैं। कौन जूते पॉलिश करेगा, कौन धोबी से प्रेस के कपड़े लाएगा, कौन कुत्ते को घुमाने ले जाएगा, कौन फोन सुनेगा। मैं ये सब काम कर देता हूँ और बदले में फीस लेता हूँ। फीस? अरे यार, मैंने तो कभी ये सोचा ही नहीं। मेरी अम्मी तो हमेशा मुझसे मुफ्त में ही काम करा लेती है। अब मैं भी पैसे मांगूंगा। तू ठहर, मैं कागज पेंसिल लेकर आता हूँ, पूरा हिसाब बनाएंगे दोनों मिलकर। हाँ हाँ चल बोल। हाँ, क्या क्या काम है, मैं पैसे लिखवाता हूँ। ठीक है। देख, एक तो बाजार से दूध और सब्जी लाया। ये तो दो आइटम हुए। हाँ, यानी के 2 रुपए। अच्छा 2 रुपए। हाँ 2 रुपए। फिर? हाँ, फिर ऊपर से कपड़े लाया, उन्हें तह लगा कर रखा। तो 1 रुपया लिख ले। नहीं यार, बहुत कपड़े थे, चादर, तौलिए, पैंट, कमीज। तो चल, इनके भी 2 रुपए लिख ले। ठीक है, ये 2 और 2 4। हाँ, और अभी मटर छीलनी है, तो 1 रुपया उसका भी जोड़ ले, हो गए पूरे 5 रुपए। हाँ चल, अब खेलने चल। अरे बताया ना यार, अभी मटर छीलने हैं। अच्छा चल, मैं भी तेरी मदद करवा देता हूँ। ठीक है, करवा दे, मैं बर्तन लेकर आता हूँ। हाँ ठीक है। अरे वाह, आज तो कमाल हो गया, सब्जी, दूध, पैसे सब ठीक ठिकाने पर है। अरे तो मटर भी छिले हुए हैं। ओ, कपड़े भी तह लगे रखे हैं। शाबाश बेटे, आज तो तुमने बहुत अच्छा काम किया है। अब मैं जल्दी से तुम्हारे लिए चावल पका देती हूँ। भूख लगी होगी मेरे बच्चे को, है ना? नहीं अम्मी, कोई ऐसी भूख तो नहीं लगी। पहले ये हिसाब देख लीजिए। हिसाब? हाँ। कैसा हिसाब है बेटा? वो देखो, बाजार से दूध और सब्जी लाने के 2 रुपए, कपड़े ऊपर से लाने और तह लगाने के 2 रुपए, मटर छीलने का 1 रुपया। ये तो काफी अहम मसला है। तुम्हारी फहरिस्त तो तैयार हो गई, मेरी फहरिस्त नहीं बनी। ऐसा करो, खाना वाना निपटा कर मैं अपनी भी फहरिस्त बना लेती हूँ, फिर अपने अब्बा से कहना हम दोनों का हिसाब कर दें, ठीक है? अच्छी बात है। भाई वाह, आज तो मजा आ गया मटर के चावलों का, खूब खा लिए, अब तो सोया जाए। ना ना, अभी सोने मत जाइएगा, कुछ हिसाब करना है। अरे भाई, कल कर लेना हिसाब, अभी तो नींद आ रही है। नहीं नहीं अब्बा, हिसाब तो अभी कर दीजिए। अच्छा, तो आप भी शामिल हैं इसमें? और नहीं तो क्या, ये रही मेरी फहरिस्त। लाओ,
2 रुपए, ये, और ये 1 रुपए, 5 रुपए। क्या बात है बरखुरदार। और ये लीजिए मेरी फेहरिस्त, कुछ छूट गया हो तो याद करवा दीजिएगा। लाइए जी, आप भी लाइए। शादी को हुए 12 साल, इन 12 सालों में हर रोज नाश्ता और दोनों वक्त का खाना पकाने के कोई पैसे नहीं, अमीन और निसार को पैदा करने के कोई पैसे नहीं, उनकी बीमारी में रात रात भर जागने के कोई पैसे नहीं, कपड़े सीने, बटन टांकने, जूते पॉलिश करने के कोई पैसे नहीं, कपड़े धोने, तह लगाने, प्रेस करने के कोई पैसे नहीं। अरे भाई शायदा, ये सब क्या है? ऐसा है कि आज आपके बेटे ने घर के कुछ काम कर दिए तो उसके एवज पैसे मांगे। मैं तो पिछले 12 सालों से इस घर के काम करती आ रही हूँ, लेकिन आज तक मुझे उसका कोई मुआवजा नहीं मिला। समझा अमीन बेटा, तुम्हारी अम्मी की बात गौर करने लायक है। शायदा, तुमने आज तक ये सब इसलिए किया क्योंकि ये तुम्हारा घर है, तुम्हारे बच्चे हैं, और ये सब तुमने किसी के कहने से नहीं किया बल्कि अपनी खुशी से किया, क्योंकि तुम हम सबसे मोहब्बत करती हो। अच्छा बताओ, मोहब्बत का क्या मुआवजा हो सकता है? मैं बताता हूँ अब्बा, मोहब्बत का मुआवजा तो मोहब्बत ही हो सकता है। मैंने वो चंद कामों के बदले अम्मी से पैसे मांगे ना, इसलिए अम्मी नाराज हैं। अम्मी, मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं बेटे, इसमें माफी मांगने की कोई बात नहीं। वो तुम्हारे अब्बू ठीक कहते हैं, मैं जो कुछ करती हूँ वो इसलिए कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और प्यार की कीमत पैसों से नहीं आंकी जा सकती। जी अम्मी। समझ आ गया ना? शाबाश। प्यार की कीमत, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। आलेख डॉक्टर शुभ्रा शर्मा, विषय संयोजन ममता गुप्ता, कलाकार अभय भार्गव, वीना होरा, यमन कौशिक, पल्लवी सरन और हेमंत होरा, ध्वन्यांकन सतीश लाड़े तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना निगम।